Hello everyone, I am Adya. Welcome back to my channel. Hope you all doing well. आज की क्लास भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम के साथ ही रहेगी. मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम अपनी 3-4 क्लासेस वर्ड प्रॉब्लम को देंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो. हर वर्ड प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम के साथ हमें फेस करनी है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फेस करनी है. तो इसलिए हम सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसीलिए आपके साथ हर वर्ड प्रॉब्लम को मैं शेयर कर रही हूँ. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ. तो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे. 3 कंसेक्यूटिव. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इस वर्ड का मतलब समझाया था कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंसेक्यूटिव भी हो सकती है और कंसेक्यूटिव भी हो सकती है. कई इसको कंसेक्यूटिव पढ़ते हैं और कई बच्चे इसको कंसेक्यूटिव पढ़ते हैं, तो दोनों ही वेज जो है वो रॉन्ग नहीं है. बट जो मीनिंग है वो क्या है उसको समझना ज़रूरी है. कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूशन फॉर्म चाहिए हमें, लगातार, तो उसको हम कंसेक्यूटिव कह रहे हैं. यानी कि हमें जो इंटीजर्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि जो भी इंटीजर्स हम लेंगे वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए. कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूशन फॉर्म में, लगातार, उनके बीच में से कोई भी इंटीजर स्किप नहीं होना चाहिए. आर, अब आगे बताया जा रहा है कि कौन से लेने हैं, किस तरह के लेने हैं. आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन, जब उनको लिया जाए, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनको उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिया जाए, मैं मीनिंग साथ साथ समझा रही हूँ. एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है यानी कि बैकवर्ड नहीं जाना, फॉरवर्ड जाना है. एंड मल्टीप्लाइड बाय, और उनको फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना है. एक कंडीशन और हमारे लिए रखी गई है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4, उन तीनों इंटीजर्स को. यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं, कंटिन्यूशन में होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए यानी कि फॉरवर्ड लेने हैं, और उन तीनों इंटीजर्स को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है. रिस्पेक्टिवली का मतलब है ऑर्डर वाइज, यानी कि जो इंटीजर सबसे पहले लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो सेकेंड नंबर पे लिया जाएगा उसको 3 से करना है, और जो थर्ड नंबर पे लिया जाएगा उसको 4 से करना है. तो रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है कि आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. एक कंडीशन, एक बात जो हमें और बता दी गई है वो ये, दे एड अप, जब हम उन तीनों को ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो 74 आएगा. फाइंड दीज इंटीजर्स, तो हमें इन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे करना है. हम सबसे पहले, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं तो हम +1, +2, +3 कर हम इंटीजर्स को निकालते हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है. तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे अपना फर्स्ट इंटीजर. लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स. हमने अपने एक्स जो है वो पहला इंटीजर माना है. अगर हमें इसका नेक्स्ट इंटीजर निकालना है तो वी विल ऐड 1 टू दिस, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे, देन सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स +1, यानी कि अगला निकालना फॉरवर्ड तो +1 किया. देन थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स +2. तो अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले +1 फिर +2, इस तरह से हमारा
फॉरवर्ड होगा इंटीजर्स का, लेकिन हमें तीन ही लेने थे तो हमने तीन ले लिए हैं। ATQ means according to the question, अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। हमें बोला गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेने के बाद आपको उनको 2, 3, 4 से ऑर्डर वाइज मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट को 2 से, यानी कि 2 × x प्लस, क्योंकि उनका एडिशन 74 होना चाहिए इसलिए मैं साथ के साथ प्लस लगा के चल रही हूँ। सेकेंड इंटीजर को 3 से, यानी कि 3 × x + 1। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा पूरा एक इंटीजर है और पूरे को 3 से करना है। जब पूरे को 3 से करना हो तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वाले को 4 से, और तीनों का सम, ये भी क्वेश्चन में बता दिया गया कि 74 आएगा। अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 को x से करेंगे 2x, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो अंदर दिए गए सभी टर्म से 1/1 कर मल्टीप्लाई होता है। कई बच्चे बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं कि वो 3 को x से तो कर देते हैं और 3x भी आ जाता है, पर वो 3 को 1 से करते ही नहीं है और 1 को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा गया नंबर अंदर दिए गए सभी टर्म से 1/1 कर मल्टीप्लाई होता जाता है। 3 × 1 = 3, मल्टीप्लीकेशन डन। अगले टर्म में जाते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर 4 है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स दिए हैं सभी से मल्टीप्लाई होना है उसको 1/1 करके। 4 को x से करेंगे, 4x प्लस का साइन आया, 4 × 2 = 8। जो बच्चे 2 कॉपी कर देते हैं उनके लिए बता दूँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 2x ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, 3x और ये भी लाइक टर्म है। लाइक टर्म्स की पहचान क्या है कि लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल कंटेन होता है टर्म्स में और उनकी पावर्स भी सेम रहती है, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। एंड दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। तो 3 + 8, अभी इस स्टेप में हमने सिर्फ लाइक टर्म्स को कंबाइन किया है। अब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, 4, 3 + 7, 3 + 2, 4 + 3 + 2, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, तो 9x, 8 + 3 = 11 = 74। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है और लास्ट में बिल्कुल अकेला कर देना है। तो सेपरेट करने के लिए पहले 11 को उधर मूव करना पड़ेगा। कई बच्चे पहले 9 को उधर ले जाते हैं, वो गलत वे है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है पहले वही मूव करेगा, तो यानी कि 11 को ही पहले जाना पड़ेगा और 11 जाएगा लेकिन जो अपने साइड पर है पहले उसको कॉपी करेंगे। 74, 11 जाएगा तो अपना साइन चेंज करके जाएगा, 74 में से 11 आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 63। अब भी x को 9 से सेपरेट करना है, 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। जो अपनी साइड में है वो न्यूमरेटर बनता है, जो दूसरी साइड से आ रहा है वो डिनोमिनेटर बनता है। 9 × 9 = 9, 9 × 7 = 63, यानी कि हमने इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में दिया, x की वैल्यू आ गई 7। अब ये जो x की वैल्यू 7 आई है, अब हम अपने तीनों इंटीजर्स निकालेंगे। हमारा जो पहला इंटीजर था वो x था, यानी कि पहला इंटीजर 7 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर x था, x की वैल्यू 7 आ गई, हमें फर्स्ट इंटीजर मिल गया। सेकेंड इंटीजर हमारा क्या था जो हमने कंसीडर किया था, वो था x प्लस 1, 7 + 1 = 8। थर्ड इंटीजर हमारा जो थर्ड इंटीजर है वो है x प्लस 2, यही कंसीडर किया था हमने स्टार्टिंग में,
एक्स प्लस टू यानी कि सेवन प्लस टू दिस इज नाइन. तो हमारे जो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आए वो है सेवन एट नाइन. तो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं देयरफॉर थ्री कंसेक्यूटिव का मतलब फिर बता दूं कि कंटिन्यूशन फॉर्म में चाहिए थे और आप चेक भी कर सकते हैं तीनों कंटिन्यूशन फॉर्म में ही है. सेवन के बाद एट आता है, एट के बाद नाइन आता है. हमारे आंसर में कोई भी इंटीजर बीच में से मिस नहीं हुआ होगा. तो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे आ गए हैं सेवन एट एंड नाइन. दिस इज द फाइनल आंसर. और अगर आपको चेकिंग करनी है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है चेकिंग की, बट अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके तीन नंबर्स आए हैं पहले नंबर को आप टू से मल्टीप्लाई करोगे जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था. टू सेवन ज़ा 14. सेकेंड नंबर को आप थ्री से करोगे, थ्री एट ज़ा 24. और नाइन को फोर से करोगे, फोर नाइन ज़ा 36. आप इन तीनों का सम करोगे. अगर इनका सम 74 आ गया तो दैट मीन्स कि आपने जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल सही था. तो हमने क्या करना है, इनका एडिशन करना है. 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7. तो 74 इज द राइट आंसर. सम टैली हो रहा है तो इसका मतलब हमने जो तीन नंबर्स फाइंड आउट करे वो एक्यूरेटली हमारा आंसर ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हुआ और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी का, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है और एक नए तरीके की वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें हम रेशियो को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ. द एजेस ऑफ, यहाँ पर एजेस की बात हो रही है, ऑफ राहुल, एक बॉय है राहुल और एक सेकेंड बॉय है हारून, आर इन द रेशियो. इनकी एजेस की रेशियो हमें गिवन है 5:7. कई बच्चे इसको 5:7 पढ़ते हैं, रीडिंग वे इज रॉन्ग. इसको पढ़ने का तरीका है 5:7. तो इसको इसी तरह से रीड करना है आपको, 4 years later, 4 साल बाद. The sum of their ages, अगर इन दोनों की ages को add कर दिया जाए, will be, होगी 56 years. What are their present ages? तो इनकी आज की क्या ages है वो बतानी है. What are their present एजेस, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. कैसे करना है, हमने क्या करना है, जब भी हमें रेशियो दी होगी तो हमें रेशियो के नंबर्स को इस्तेमाल करना है. वेरिएबल अपनी मर्जी से लेना है, हम वेरिएबल कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल हम यूज करेंगे वो रेशियो के जितने भी नंबर्स हैं, लाइक यहाँ पे दो नंबर्स हैं तो दोनों के साथ सेम वेरिएबल इस्तेमाल होगा, अलग अलग नहीं. तो हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रेजेंट एजेस थी वो इस रेशियो में दी गई थी, लेकिन हमें एक्चुअली में प्रेजेंट एजेस निकालनी है, अभी हमें रेशियो गिवन है. तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट राहुल्स एज, राहुल की एज को
नंबर यही लेना है रेशियो का 5, और वेरिएबल हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। एज है तो यूनिट लिखना जरूरी है, इयर्स। लेट हारून, दूसरे की एज को भी हम कैसे लेंगे, हारून की एज को नंबर आपको रेशियो वाला ही लेना है। देखिए जो नाम पहले है उसके रेशियो का नंबर आगे वाला रहेगा, ऑर्डर वाइज ही लेना होता है। आप राहुल को 7 नहीं ले सकते, हारून को 5 नहीं ले सकते। जिसका नाम पहले उसका रेशियो पहले, जिसका नाम बाद में उसका रेशियो का नंबर भी बाद वाला। तो 7 हो गया हारून का। मैंने कहा था वेरिएबल सेम इस्तेमाल करना है, यहाँ अगर एक्स ही लिया है तो यहाँ पे भी एक्स ही लेना है। तो ये हमने दोनों की प्रेजेंट एजेस को कंसीडर कर लिया। मान के चला कि एक की एज 5x है और एक की एज 7x है, जो अभी है, प्रेजेंट एज है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट एज है। 4 years later, according to the question, अब question क्या कह रहा है कि मान लो 4 साल बीत जाएंगे, future की बात हो रही है, will be लिखा है, तो future की बात हो रही है कि 4 साल बाद, तो हम यहाँ heading डाल देते हैं, after 4 years, 4 साल के बाद की बात हो रही है, तो राहुल's age will be, राहुल की age क्या हो जाएगी? देखिए अगर मेरी एज आज 30 years है और मैं आपसे पूछूं कि मेरी एज 4 साल बाद क्या हो जाएगी, तो हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे? हम 4 साल अपनी एज में ऐड कर देंगे। अगर आज मेरी एज 30 years है तो 4 साल बाद 34 हो जाएगी, इट विल बी 34 years। कैसे निकाला? प्लस 4 कर दिया। तो बाद की एज निकालने के लिए हम उतने ही इयर्स ऐड कर देते हैं। तो राहुल की एज भी 4 साल बाद क्या होगी, उसके लिए अभी उसकी प्रेजेंट एज है 5x, 4 साल बाद क्या होगी, तो 5x plus 4। अब ये दोनों टर्म्स ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अनलाइक है, तो इनको एज इट इज छोड़ देंगे। हारून्स एज विल बी, और हारून की एज क्या हो जाएगी 4 साल बाद, हारून्स एज विल बी, उसकी एज में भी 4 years ऐड हो जाएंगे, 7x plus 4, और ये भी ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज छोड़ देंगे। आगे उन्होंने एक कंडीशन और दी हमें क्वेश्चन में कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की जो 4 साल बाद वाली एज है अगर उनका सम कर दिया जाए तो will be 56 years, वो 56 years हो जाएगी। तो आप इन दोनों की एजेस को ऐड कर दोगे, 5x plus 4 plus 7x plus 4, it will be 56 years। तो अब हम क्या करेंगे, लाइफ टर्म्स को की ग्रुपिंग करेंगे, 5x plus 7x plus 4 plus 4, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ ग्रुपिंग कर दी, और वेरिएबल सेम वेरिएबल वालों की ग्रुपिंग, 5x और 7x 12x एंड 4 plus 4 8 plus 8, उधर शिफ्ट करेंगे हम तो -8 होगा, और जो अपनी साइड में है पहले उसको कॉपी करेंगे, +8 -8, और ये हमारा हो गया 56 - 8 48। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 12x = 48। 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जब 12 को शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा और x यहाँ पर अकेला रह जाएगा। जो राइट साइड पर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो लेफ्ट से आ रहा है वो डिनोमिनेटर बन गया। कैंसिलेशन करेंगे रिड्यूस फॉर्म लाने के लिए, 12 1 12 12 4 48, एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब हम प्रेजेंट एजेस निकालते हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। राहुल्स एज, राहुल की प्रेजेंट एज जिसको हमने क्या कंसीडर किया था, 5x
means 5 into 4, x को replace कर देंगे 4 से, तो this is 20 years. Harun's age, Harun की present age को हमने क्या consider किया था starting में, आप उसको देखेंगे 7x, तो 7x means 7 into x, और x को replace करेंगे 4 से, तो this is 28 years. तो ये दोनों की एजेस आ गई. आप अगर आपको चेकिंग करनी है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया, तो मैं चेकिंग बता देती हूँ. ये करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके आंसर की कंफर्मेशन के लिए है. आपने क्या करना है, प्रेजेंट एज जो आई है उसमें आप 4-4 इयर्स ऐड कर लो, या फिर सॉरी या फिर उसका सम 56 आ जाएगा, या फिर जो रेशियो है वो ये आनी चाहिए, आप इसकी रेशियो निकाल लीजिए. ये सबसे सिंपल वे है चेकिंग का. जो आपकी प्रेजेंट एजेस आई हैं आप उसका रेशियो निकाल लो. रेशियो निकालने के लिए अपॉन में लिख देंगे और इसको कैंसिलेशन करेंगे. 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 20, 4 7 28, दिस इज 5/7, एंड रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 5:7, तो यही 5:7 था. इसका मतलब आपकी जो एजेस आई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं. तो ये हमारा चेकिंग का तरीका था, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, वो भी रेशियो का है. और जब हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कि अब गलती कहीं पर भी नहीं होगी. अगर रेशियो का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उसको करने का जो तरीका है, जो मेथड हमें फॉलो करना है, वो सेम रहेगा. बार बार करने से वो मेथड हमारे माइंड में पक्का हो जाएगा, कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो हमें इसी मेथड को फॉलो करना है. तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम. मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स की जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है. आर इन द रेशियो 7, क्या रीड करेंगे, 7:5. इसको रीड करने का तरीका है 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर. 8 मोर का मतलब 8 ज्यादा है नंबर्स में. देन नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. क्लास स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं. और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं वो तब आएंगे जब हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आप सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो रेशियो दी है हमने उन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल करना है. हमने उन नंबर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, वही नंबर यूज़ करने हैं जो क्वेश्चन में दी है. और वेरिएबल, एक कॉमन वेरिएबल हमें अपने आप से लेना है. मैं फिर से बता रही हूँ कि जो भी वेरिएबल आप लेंगे आप दोनों के लिए, दोनों नंबर्स के लिए सेम वेरिएबल यूज करेंगे. तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी जो नाम पहले है उसकी रेशियो पहले वाली है, जो नाम बाद में है उसका नंबर रेशियो का बाद वाला है. तो बॉयज है 7 रेशियो, तो 7y कर देते. अब हमने यहाँ पे y वेरिएबल यूज कर लिया है. लेट नंबर ऑफ बॉयज बी 7y, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5y.
तो ये हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की नंबर्स हमने y की फॉर्म में ले लिए हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि जो बॉयज हैं वो ज़्यादा हैं गर्ल्स से, तो पहले एक तरफ आप बॉयज लिख लो और एक तरफ गर्ल्स, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। वैसे भी नंबर से भी पता चल रहा है बॉयज ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम हैं। बॉयज सेवन, बॉयज इज 7y एंड गर्ल्स इज 5y। बॉयज कितने ज़्यादा हैं ये क्वेश्चन में बता दिया कि 8 मोर देन। बॉयज 8 ज़्यादा हैं गिनती में, जब वो कह रहे हैं हमने काउंटिंग करी तो ये ऑब्जर्व किया कि जो बॉयज़ हैं वो 8 मोर देन है गर्ल्स से। तो जो ज़्यादा है हमें उल्टा करना है, जो ज़्यादा नहीं है उसको ज़्यादा कर देना है। तो आप इस बात को यहाँ पे समझें कि इक्वल लगाने के लिए अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके बारे में बता रखा है कि ये 8 ज़्यादा है, यानी कि ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, अगर हमें इसको इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो ये कम है तो इसको 8 ज़्यादा कर दो। जब इसकी गिनती 8 बढ़ा दी तो ये इक्वल हो गई इक्वेशन। तो क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, जिसके बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था कि ये 8 ज़्यादा है, तो हमें काम उल्टा करना है, उसको 8 ज़्यादा कर दो। जब उसको 8 ज़्यादा कर दोगे तो बैलेंस हो गई इक्वेशन और इक्वल आ गया। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे क्योंकि एक वेरिएबल आपको वहाँ दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। अब प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा और 8 अकेला रह गया, ये लाइक टर्म्स है माइनस हो जाएंगे। 7 में से 5 के अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, कैंसिलेशन करेंगे ताकि हमें लोएस्ट फॉर्म मिल सके। 2 1 2 2 4 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब y आ गया है तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स भी मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज जो कि हमने स्टार्टिंग में ही कंसीडर कर लिया था कि वो 7y है, 7y का मतलब 7 into y, तो y हमारा आया है 4। तो y को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो दिस इज 28। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने 5y कंसीडर किया था, तो 5y मींस 5 into y, 5 into 4, दिस इज 20। अब कई बच्चे अपना आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं और ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी क्लास स्ट्रेंथ निकालनी थी। तो बच्चे सोचते हैं कि यहीं पे आंसर आ गया और यहाँ पे आकर उनका एक मार्क कट जाता है और वो आपने नहीं कटवाना। क्लास स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं वो पूछे गए हैं, तो क्लास में बच्चे जितने हैं उसको निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लास स्ट्रेंथ का मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो बॉयज एज वेल एज गर्ल्स दोनों के नंबर्स को आप ऐड कर देंगे, तो 48। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। हम इसकी चेकिंग बता देते हैं कि इसकी चेकिंग कैसे है कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। आपने क्या करना है कि जो बॉयज और गर्ल्स आए हैं उनकी रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने का क्या तरीका होता है, छोटी क्लासेस में सीखा था, अकाउंट में डाल देंगे, कैंसिलेशन करेंगे सेम नंबर से, 4 5 20, 4 7 28, 7 by 5 अब और कैंसिल नहीं हो रहा तो यही रेशियो है, तो यही 7:5 रेशियो क्वेश्चन में दी गई थी। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको अब रेशियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हम फेस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा K
क्या है उसको रीड करते हैं। बैचूंस, एक बॉय है जिसका नाम है बैचूंस। बैचूंस फादर इज 26 इयर्स यंगर। यंगर का मतलब होता है छोटे। देन बैचूंस ग्रैंडफादर। इस लाइन का क्या मीनिंग है कि बैचूंग के जो फादर है वो बैचूंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है, मींस छोटे हैं। एंड 29 इयर्स ओल्डर। ओल्डर मींस होता है बड़े हैं। देन बैचूंग, बैचूंग से 29 इयर्स बड़े हैं। ऑब्वियसली जो फादर है वो अपने फादर से छोटा होगा और अपने सन से बड़ा होगा। तो वही रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तीनों यहाँ पे ग्रैंडसन फादर एंड ग्रैंडफादर फादर की बात हो रही है, तीनों के एजेस का सम दिया गया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स। अगर वो कह रहे हैं कि तीनों के एजेस को ऐड कर दिया जाए तो उनका सम 135 है। व्हाट इज द एज, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो तीनों की एजेस का पता लगाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एजेस से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस का एंड किस पर हो रहा है। सेंटेंस का एंड हो रहा है बैचूंग पे। अब मैं फिर से डिक्टेट कर रही हूँ। बैचूंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बैचूंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बैचूंग। तो सेंटेंस का एंड बैचूंग पे हुआ तो हम सबसे पहले बैचूंग की एज को ही कंसीडर करेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है कि किसको कंसीडर किया जाए। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट रहता है तो उसको मैंने बता दिया है। उस हर एक बच्चे को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेंटेंस का एंड जिस पर हो उसी को आप वेरिएबल कंसीडर करो। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट बैचूंग्स एज बी एक्स इयर्स। तो यही हमारा फंडा है कि सेंटेंस का एंड जिस पे हो पहले उसी को ही कंसीडर कर डालो। तो हमने बैचूंग को एक्स कंसीडर कर डाला। अब हम देखेंगे कि क्या रिलेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बैचूंग के फादर है वो 29 इयर्स बड़े हैं बैचूंग से। तो हम पहले फादर को लेंगे। अब देन बैचूंग फादर एज, तो बैचूंग के जो फादर की एज है वो 29 इयर्स ओल्डर होने की वजह से, बड़े होने की वजह से प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस आ गया, हमें बैचूंग के फादर की एज भी मिल गई। अब हम आते हैं बैचूंग के ग्रैंडफादर पर। तो हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं। पहले हमने बैचूंग ले लिया, फिर फादर ले लिए, अब हम ग्रैंडफादर ले लिए। अब क्या रिलेशन दिया था कि बैचूंग के जो ग्रैंडफादर है वो, पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ बोला था कि जो फादर है वो बैचूंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं। अगर इसको उल्टा समझे तो ग्रैंडफादर इसका मतलब 26 इयर्स बड़े हैं फादर से। तो यहाँ दिया है छोटे का रिलेशन, लेकिन हमें ग्रैंडफादर की एज निकालनी है। तो वो बड़े हुए फादर से 26, अगर ये फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं तो ग्रैंडफादर फादर से 26 ईयर्स बड़े हुए।
अगर इसकी दूसरी स्टेटमेंट समझी जाए तो यही हुई, लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, तो इसको दूसरे वे में समझे तो क्या, पहला वे क्या था, मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है, और अगर इसको दूसरे वे में पढ़े तो मैं अपने भाई से 4 साल बड़ी हूँ। तो भाई की बात करें तो वो मुझसे 4 साल छोटा है, और मेरी बात की जाए तो मैं 4 साल बड़ी हूँ। तो फादर की बात हो रही थी तो वो छोटे थे ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स, और अगर ग्रैंडफादर की बात हो रही है तो वो 26 ईयर्स बड़े हैं फादर से। तो पहले फादर की एज लिखेंगे और फिर वो 26 ईयर्स और बड़े हैं फादर से, तो तब उनकी हमारे पास एज आएगी। तो ये दोनों कांस्टेंट है, इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ये 55 हो गया, तो x प्लस 55 आ गई हमारे ग्रैंडफादर की एज। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी समझने वाली जो मैंने आपको समझाई, कि अगर एक रिलेशन दिया है कि फादर 26 ईयर्स छोटे हैं, दैट मींस कि ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं, और बड़े हैं तो प्लस 26 कर दिया। तो तीनों की एजेस आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की एजेस का अगर सम कर दिया जाए तो वो 135 आएगा। तो पहला था एक्स बैचुम, फिर उसके फादर थे एक्स प्लस 29, फिर उसके ग्रैंडफादर थे एक्स प्लस 55। इन तीनों का अगर सम कर दिया जाए तो वो आएगा 135 ईयर्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 3x हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 29 प्लस 55, ये कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ग्रुप हो गया, और वेरिएबल का ग्रुप, जिस वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होता वहां पर 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज 3x, 29 प्लस 55 84, 84 के आगे प्लस है, जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जिस तरह से मैंने किया है, और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 51 आ गया, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ से बचा 2, इसके साथ कंबाइन हो गया 21, 3 7 जा 21, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 17। अब जब x यानी कि वेरिएबल मिल जाता है तो ऑब्वियसली हमें सबकी एजेस भी मिल जाएंगी। तो जो हमारा बैचुम था जिसको हमने कंसीडर किया था x सबसे पहले बैचुम को, तो उसकी एज आ गई 17, x कंसीडर किया था और 17 इयर्स उसकी एज बन गई। फिर बैचुम के फादर, उसके फादर की एज क्या बनेगी, फादर को हमने कंसीडर कर लिया था x प्लस 29, तो हमारे पास x की वैल्यू 17 आई हुई है, तो 17 प्लस 29 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46 इयर्स फादर की। और इसी तरह से जब हम ग्रैंडफादर को लेंगे तो ग्रैंडफादर की एज क्या आ जाएगी, ग्रैंडफादर को हमने क्या कंसीडर किया था, x प्लस 55, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करनी है 17 के साथ, 17 प्लस 55, और इनको ऐड अप कर देंगे, तो इनको ऐड करने पे क्या आएगा, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी ओवर 1, 5 6 7, 72 इयर्स। अगर हमें चेकिंग करनी हो, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ये बैचुम है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये बैचुम के फादर हैं की एज है, और ये बैचुम के ग्रैंडफादर की एज है, तो ये तीनों एजेस आ गई हैं। चेकिंग करते हैं हम कि हमने एजेस सही निकाली है कि नहीं, आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, 17, 46 एंड 72, इनका सम हमें चेक करना है, 7 प्लस 6 13,
13 प्लस 2 15 का 5 कैरी ओवर 1 7 प्लस 4 11 12 13 तो ये 135 आ गया। तो वही क्वेश्चन में दिया गया था कि तीनों के एजेस का अगर सम करें तो वो 135 ईयर्स आना चाहिए। तो इसका मतलब कि तीनों की एजेस हमने बिल्कुल सही निकाली हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज की क्लास हम यही क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ख़त्म करते हैं, बट अपनी नेक्स्ट क्लास में भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स को ही लेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अभी रह गया है, तो हम उसको मिस नहीं करना चाहते। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे ताकि हम अपनी अगली वीडियो में भी वर्ड प्रॉब्लम की फुल एंड फिनिश कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर दें, अच्छे से समझें। गुड बाय दोस्तों।